बेनकाब। हम बेनकाब कर रहे हैं बिहार के कोर्ट परिसरों में चल रहे एक ऐसे खेल को जिसमें कानून का मजाक बनाया जा रहा है। कोर्ट में पेशी के लिए आए कुख्यात अपराधी सारे नियम तोड़कर खुलेआम अदालत परिसर में घूमते हैं, अपनी मर्जी से खाते पीते हैं, यहां तक कि मोबाइल फोन पर बात भी करते हैं, और ये गैर कानूनी काम होता है कानून के रखवालों के सामने। कुछ दिन पहले एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसके बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए थे। ये है राजन तिवारी, बिहार की बाहुबली राजनीति का एक चेहरा। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक रह चुके राजन तिवारी भले ही जनता के नुमाइंदे होने का दम भरे, लेकिन इस पूर्व विधायक की करतूतों की फेहरिस्त काफी लंबी है। दरअसल राजन तिवारी अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम है। एक जमाने में श्री प्रकाश शुक्ला के शूटर रहे राजन तिवारी की चार्जशीट में कई संगीन आरोप दर्ज हैं। फिलहाल ये पटना के बेउर जेल में सजा काट रहे हैं। ये तो था राजन तिवारी का एक छोटा सा कच्चा चिट्ठा। अब बात इन्हीं से जुड़ी उस घटना की। तारीख 16 नवंबर 2006। राजन तिवारी को एक मामले की सुनवाई के लिए पटना के बेउर जेल से कोर्ट ले जाया गया। राजन तिवारी के साथ कुछ पुलिस कर्मी भी थे, लेकिन अदालत पहुंचने से पहले राजन तिवारी पहुंच गए सलून। सलून के अंदर राजन तिवारी चेहरे की मालिश और बालों की सेटिंग कराते रहे, और उन पर नजर रखने वाले पुलिस वाले सलून के बाहर खड़े उनका इंतजार करते रहे। नियम के मुताबिक मुजरिम को जेल से सीधे अदालत और पेशी के बाद वापस सीधे जेल ले जाना होता है। मीडिया में इस घटना पर खूब बवाल मचा और आखिरकार जांच के आदेश दे दिए गए। दोषी पाए गए 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदले। हमारे कैमरे में कैद हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो बताती हैं कि जांच और सख्ती के बाद भी सब कुछ पहले जैसा है। ये है दुर्गेश शर्मा। दुर्गेश पटना का कुख्यात अपराधी है। इसका धंधा है अवैध वसूली। यही नहीं, दुर्गेश पर हत्या के प्रयास, अपहरण और जान से मारने की धमकी जैसे कई गंभीर आरोप भी हैं। पेशी के लिए लाया गया मुजरिम अगर खतरनाक है और उसके भागने का खतरा है, तो उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी जाती है। मगर लगता है पुलिस की नजर में दुर्गेश खतरनाक अपराधी नहीं है। पुलिस उनको जब कोर्ट ले जाती है, वो जाके पुलिस की ड्यूटी होती है कि कोर्ट में उनको जाके ले जाके पेश करना और पेश करके वापस सेफ कस्टडी में सुपरिटेंडेंट जेल को वापस दे देना। अब सेफ कस्टडी का मतलब ये होता है कि अब कुछ खतरनाक प्रिजनर होते हैं, उनको अगर हथकड़ी के लिए कोर्ट ने परमिट किया हुआ है तो उनको हथकड़ी लगा के जो है कोर्ट में ले जाएंगे और हथकड़ी लगा के ही वापस लाएंगे और जेल के अंदर आके उसकी हथकड़ी जो है खुलेगी। बिहार में पुलिस कर्मियों पर कुख्यात अपराधियों की मदद करने और उन्हें सुविधा मुहैया कराने के कई मामले सामने आए हैं। कई बार कोर्ट परिसर से अपराधियों के भागने की वारदातें भी हुई। इन घटनाओं की जांच भी की गई, फिर भी ये सारी कवायद बेअसर ही साबित हुई। लेकिन कोर्ट परिसर में चलने वाला ये अकेला गोरख धंधा नहीं है। ब्रेक के बाद करेंगे अदालत परिसरों में चल रहे फर्जी गवाही के धंधे को बेनकाब।